हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बुम्बा चौधरी और स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ ठाकरे जो मूवी ट्रेलर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, उसके बारे में ही। मैंने अभी अभी वो ट्रेलर देखा, मैं उसका पूरा फुल ब्रेकडाउन रिव्यू और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ठाकरे कौन है। तो इस वीडियो में मैं ठाकरे कौन है ये भी बताने वाला हूँ और ट्रेलर कैसा है ट्रेलर के बारे में भी बताने वाला हूँ और कुछ बेस्ट डायलॉग भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उस ट्रेलर का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी रात के 11 बज रहे हैं लगभग, तो बहुत ठंड हो रखा है। तो भाई वीडियो को लाइक वाइक कर दो, मैं इतनी ठंड में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको मेरे चैनल में ऐसे ही बहुत सारे लेटेस्ट सारे सोशल मीडिया के अपडेट्स और यूट्यूब के अपडेट्स और मूवी के भी अब मिल जाएंगे। तो भाई कर दो सब्सक्राइब, और अगर ना करना है तो कोई बात नहीं, वीडियो ही देख लो। तो अब आगे मैं इस वीडियो में और बताने वाला हूँ कि क्या पबजी इंडिया में बैन हो चुका है, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि भाई जो इंडिया के टॉप 10 कॉमेडी क्रिएटर्स है उसका एक लिस्ट निकाला है ऑफिशियली यूट्यूब से, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। तो भाई मैंने ये हुडी लगा लिया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है। तो इतने ठंड में ऐसे मैं बिना हुडी के ऐसे बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। हुडी मैंने लगा लिया। तो अब बात करते हैं ठाकरे मूवी ट्रेलर के बारे में। तो देखिए, बेसिकली ठाकरे थे कौन, बेसिकली ठाकरे का पूरा नाम है बाला साहब ठाकरे। ये एक मराठा का जो मतलब महाराष्ट्र का एक बहुत बड़े लीडर थे। शिवसेना का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये शिवसेना के फाउंडर थे। और ये मतलब शिवसेना ने बाद में बीजेपी में इंटर किया था, मतलब सपोर्ट किया था बीजेपी को। तो उस हिसाब से ये एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। इनका इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र में मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दाऊद इब्राहिम तक इनसे डरते थे। महाराष्ट्र बेसिकली कहा जाता है मुंबई को छोड़ ही दिया दाऊद इब्राहिम ने इनके ही डर से। तो बहुत मतलब एग्रेसिव टाइप के लीडर थे, और जो भी कहते थे खुल के कहते थे, ठीक है। तो पूरा मुंबई इनको पहचानता है, ठीक है। और महाराष्ट्र और हिंदुइज्म का भी ये बहुत बड़ा, ये क्या एक नोटिफिकेशन आ गया, तो हिंदुइज्म का भी बहुत बड़ा मतलब एक क्या कहते हैं उसको जो लोग फैलाते हैं वही थे, ठीक है। तो उनके ही पूरे बायोग्राफी के ऊपर और उनका ही मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर पूरी तरफ से बेस्ड है ये मूवी। तो ब्रेकडाउन का इस ट्रेलर का तो कुछ है नहीं ऐसे, मैं बस मराठ अगर उनके बारे में पता चल गया आपको, बाला साहब ठाकरे के बारे में, तो मतलब मूवी आप लोगों को पता चल ही गया। तो एक उनका कुछ बातें मतलब एक बार जैसे कहा था कि अमरनाथ यात्रा बंद कर दी जाएगा, तो उन्होंने कहा था हज जाना भी मैं बंद कर दूंगा, मुंबई से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ कहा था उन लोग उसने उन्होंने। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का जो एक्टिंग है उसके ऊपर तो कोई बात होगा ही नहीं, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। वो जो भी कैरेक्टर करते हैं एकदम उस कैरेक्टर को जैसे जीते हैं, जैसे लगता है उन्हीं ने किया है वो कैरेक्टर, मतलब उनका ही जैसे मतलब कोई एकदम रियल लगता है, ठीक है। तो मैं तो उनके एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ ऐसे भी। तो अब आते हैं डायलॉग्स के बात में। डायलॉग्स भी मतलब काफ़ी अच्छे हैं, और ऐसे नहीं कि डायलॉग्स वह बना बना के कह रहे हैं या कि मन से ही कह रहे हैं अपने, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ये कहानी लिखी हुई कहानी कुछ नहीं है, एकदम रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो जो डायलॉग्स बाला साहब ठाकरे ने कहा था, जो एग्रेसिव कुछ डायलॉग्स थे, कुछ बहुत ही मतलब जोश भरे कुछ लफ्ज़ थे, वो सब डायलॉग्स इस मूवी में है। ट्रेलर में भी उसका कुछ मतलब बहुत सारे जो झलक है देखने को मिलता है। और आपके अदालत में बाला साहब ठाकरे एक बार आए थे, उसका भी एक सीन है इस ट्रेलर में। तो मैं यहाँ पे अपने फेवरेट डायलॉग कुछ दे दूँगा इस क्लिप के बाद, जो मुझे ट्रेलर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये भी सुना गया है कि 2-4 कट्स इस मूवी में लगाया गया है सेंसर बोर्ड के द्वारा, और शिवसेना इसके अगेंस्ट है। शिवसेना तो कट्स लगाने को कहता है, इस बार शिवसेना ही कह रहे हैं भाई कट्स मत लगाओ, कमाल की बात है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली वो शिवसेना के फाउंडर थे और उन्हीं के बायोग्राफी है ये, तो कहेंगे ही, ठीक है। और मैं अभी पता है वीडियो में मैंने 400 से 500 बार शायद ठीक है ही कह दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे कहा देगा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इतना बार नहीं कहना चाहिए था। तो जो बात है यही है,
और आगे पबजी इंडिया के बारे में तो देखो भाई, पबजी इंडिया में बैन ना ही हुआ था, ना ही हुआ है, ना ही होने वाला है। और अगर हो भी गया तो इंडिया में तो बहुत कुछ बैन है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। पहले जियो ने बैन किया, फिर बाकियों ने, तो फिर भी जिनको देखना है वो देख रहे हैं। वैसे ही पबजी जिनको खेलना होगा वो तो खेलेंगे, चाहे बैन कर दो या कुछ भी कर दो। VPN है, प्रॉक्सीज है, ठीक है, इमुलेटर है, बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जिससे आप आराम से खेल सकते हैं। तो उस चीज़ की चिंता मत करो, बैन अभी होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है और बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं मतलब कुछ भी बके जा रहा हूँ। तो भाई इतने ठंड में वीडियो बनाए, लाइक वाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और ये लो लिस्ट, मैं यहाँ पर चला दूँगा इसके बाद, मतलब उन क्लिप्स के बाद, या फिर ये लो यहीं पे मैं दे दूँगा, यहाँ पे एडिट करते वक्त जो लिस्ट है 10 लोगों का, इंडियन टॉप फनी क्रिएटर्स का। और टीज़र मतलब एकदम क्या कहूँ, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मुझे एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो, लाइक दबाओ, और बस जो भी है यही है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, इतने ठंड में वीडियो बना रहा हूँ। तो सॉरी दोस्तों, मैं ट्रेलर से कोई भी क्लिप प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रात में यही वीडियो जब अपलोड किया था, मैंने तब कुछ क्लिप्स दिए थे अच्छे अच्छे डायलॉग ट्रेलर से, तो मेरा वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया और मेरा वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो गया। मैंने बस 30 सेकंड का क्लिप प्ले किया था आखिर में, फिर भी मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया और वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो गया। तो इस वजह से मैं कोई भी क्लिप इसमें प्ले नहीं कर पा रहा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चाहे तो देख लो।